हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बेसन के पकौड़ों की एक अनोखी सब्जी जो आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने लिया है 2 मीडियम साइज़ की प्याज और 2 से 3 हरी मिर्चें। ठीक है, अब हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। पहले हम बेसन का घोल बना लेंगे। सो वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए क्या कर रही हूँ मैं आज। ये मैं 3 से 4 जनों के लिए बना रही हूँ सब्जी। तो इसमें मैं 1-4 बड़े चम्मच, ये देखो इतना बड़ा चम्मच है, 4 बड़े चम्मच बेसन ऐड कर दिया मैंने इसके अंदर। अब मैं इसमें नमक ऐड करूँगी स्वाद के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं सब्ज़ी में भी ऐड करूँगी तो मैं इसमें नमक कम ही ऐड करूँगी। 1/2 चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड किया है। और मिर्ची ऐड करेंगे, 1/2 छोटी चम्मच मैं इसमें लाल मिर्ची का पाउडर ऐड कर रही हूँ। और इसमें धनिया ऐड नहीं करना है, इसमें सिर्फ हल्दी ऐड होगी, क्योंकि ये पकौड़ों के लिए ही बेसन घुला जाएगा। तो मैं इसमें हल्दी ऐड करती हूँ, 1/2 छोटी चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया है। अब मैं इसे घोलूँगी। फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखिए कि जब इस बेसन आप मतलब इस घोल को घोलेंगे तो इसे बिल्कुल पतला नहीं घोलना, मतलब ठीक घोलना, ना ज़्यादा कैड़ा ना ज़्यादा पतला, नॉर्मली, क्योंकि हमें इसके पकौड़े बनाने हैं। ठीक है, तो घोलते हैं इसे। पहले मैं इसको अच्छे से मिला लूँगी ऊपर से लेके नीचे तक, क्योंकि इसमें हमारी प्याज भी डली हुई है, क्योंकि प्याज भी थोड़ा बहुत पानी छोड़ती है। तो पहले अच्छे से मिला लूँगी इसे। देखिए मिल चुका है। अब मैं इसमें धीरे धीरे पानी ऐड करूँगी, एकदम ही पानी इसमें आप मत डालिए, धीरे धीरे ऐड करिए और साथ के साथ इसे घोलते रहिए। क्योंकि हमें इसकी ज़्यादा हार्ड कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए, नॉर्मली चाहिए, तो मिलाते रहिए। ये देखिए थोड़ा सा पानी डालते ही कैसा मैश सा होने लगा है। बस थोड़ा सा पानी और डालूँगी मैं इसके अंदर, बस थोड़ा सा। अब अच्छे से मिला लूँगी इसे। देखिए मुझे ऐसे ही थिक चाहिए था अपने पकौड़ों के लिए। अच्छे से मिला लूँगी ताकि कहीं से भी हमारा जो बेसन है वो कच्चा नहीं रहे। देखिए मेरा बेसन जो है वो घुल चुका है। आप चम्मच की जगह हाथ का भी यूज़ कर सकते हैं। बस मुझे ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए थी इसके लिए। अब चलते हैं इसे बनाने की तरफ, यानी कि मसाला तैयार करने की तरफ। तो इसे मैं रख देती हूँ साइड को। देखिए फ्रेंड्स, मेरी कढ़ाई जो है वो गर्म हो चुकी है। मैं यहाँ पे अपना ऑयल ऐड करूँगी, रिफाइंड ऑयल। तो मैं 1 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल ऐड करूँगी, ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच। अब इसे थोड़ा गर्म होने दूंगी। हमारा ऑयल जो है गर्म हो चुका है। अब मैं यहाँ पे 1/2 छोटी चम्मच हींग ऐड कर रही हूँ और 1/2 छोटी चम्मच जीरा। और यहाँ पे मैंने 1 प्याज लिया है और 2 हरी मिर्चें लिया है जिसे मैंने काट लिया है। प्याज को सोटे करेंगे। अच्छे से ब्राउन होने देंगे, मतलब ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी है, लाइट ब्राउन करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी प्याज जो है लाइट ब्राउन होने लगी है। अब हम इसी के साथ अपने टमाटर ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिए, इन्हें ऐसे काट लिया। इस कंडीशन पे आप गैस की फ्लेम को मीडियम कर दीजिए ताकि आप पे ऑयल की छींटे ना लगे। आप भी सोच रहे होंगे कि संध्या आज क्या बना रही है। उसे वो तो बेसन के पकौड़े बना रही थी,
ये पूरा सब्जी की मसाला की भून लिया है, हम पकौड़ों की सब्जी बना रहे हैं। मैं अभी पकौड़े ऐड करूँगी। इस स्टेज पे हम टमाटरों को अच्छे से गला लेंगे। आपको तो पता ही है ना टमाटरों को गलाने की टेक्निक क्या है, नमक। सो नमक ऐड करते हैं। याद रखिए हमने बेसन में भी नमक डाला था, तो हम यहाँ पे आधा छोटी चम्मच नमक ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही नमक ऐड करें। अच्छे से भून लेंगे। अब गैस की फ्लेम को हाई कर दो ताकि हमारे टमाटर जो अच्छे से पक जाए। अब हम अपनी गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे क्योंकि हमारे टमाटर जो है धीरे धीरे घुल रहे हैं। तो हम यहाँ पे अपने मसाले ऐड कर देते हैं साथ के साथ। यहाँ पे मैंने आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर ली है, इसमें धनिया पाउडर थोड़ा ज़्यादा डलेगा, तो यहाँ पे मैं एक चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ। और मिर्चें भी हमें अपने आप मिर्चें भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, क्योंकि मैंने मिर्चें उसमें भी डाली है पकौड़ों में और मसाला फ्राई करते हुए भी डाली। आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर मिला लेंगे अच्छे से मसालों को। इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, जिससे कि हमारा मसाला अच्छे से पक जाए। देखिए हमारा मसाला अच्छे से भुन रहा है। ये लगना नहीं चाहिए, मतलब जलना नहीं चाहिए। इसी के साथ साथ यहाँ पे मैं आधा से आधा छोटी चम्मच गरम मसाला ऐड कर दूँगी साथ के साथ ही। देखिए हमारे जो मसाले ने है ऑयल छोड़ दिया है, लेकिन मैं इसे अच्छे से भूनूंगी क्योंकि मसालों की जो स्मेल रह जाती है ना, तो फिर वो टेस्ट जो है ना बिगाड़ देती है। तो इसे अच्छे से भून लो अपना मसाला। बस आप ये ध्यान रखते रहिए कि ये जले ना, क्योंकि नीचे चिपक जाता है ना मसाला कई बार। आप इसको साथ के साथ चलाते रहिए और गैस की फ्लेम को मीडियम कर लीजिए। टमाटर जो हमारे लगभग पूरे पक चुके हैं। अब मैं यहाँ पे अपना पानी ऐड करूँगी क्योंकि मुझे पकौड़ों को पकाना है, तो उसी हिसाब से मैं थोड़ा एक्स्ट्रा पानी, मतलब कि आधा गिलास पानी ज़्यादा ऐड करूँगी अपने पकौड़ों को अच्छे से पकाने के लिए। तो मैं यहाँ पे अकॉर्डिंग 3 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। मिला लूँगी अच्छे से। अभी इस पानी के अंदर एक उबाल आने दूँगी, फिर मैं इसमें अपने पकोड़े ऐड करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, इसमें उबाल आ चुका है। अब आपको इस स्टेज पे इसे चम्मच से थोड़ा ऐसे करके चलाना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पकोड़े ऐड करने हैं। अब आप ये सोचेंगे कि पकोड़े फ्राई तो हुए नहीं हैं तो कच्चे ही ऐड हो रहे हैं। हाँ, ये कच्चे ही ऐड होंगे इसमें। अब यहाँ पे आपको हाथ की जगह, चम्मच की जगह अपना हाथों का यूज़ करना पड़ेगा, मतलब फिंगर्स का। तो छोटी छोटी सी, गोल गोल, ज़्यादा गोल गोल नहीं करने, ऐसे हाथ में लेने। देखो ऐसे लेके ऐसे छोटे छोटे से पकौड़े इसमें ऐड करने हैं, तो ये घुलेंगे नहीं। अगर आपका बेसन ठीक होगा ना, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा, तो ये धीरे धीरे पक पक के ऊपर आ जाएंगे। तो छोटे छोटे बेसन के पकौड़े इसमें ऐड करते रहो ऐसे। सारे डाल दीजिए आप हाथों की, मतलब फिंगर्स की मदद से, अपनी उंगलियों की मददों से अच्छे से मिला मिला के। देखिए मैं आपको दिखा तो रही हूँ, आप ऐसे ऐड करते रहिए। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ये धीरे धीरे सारे पक पक के ऊपर आ जाएंगे। आप गैस की फ्लेम को मीडियम ना करें, फ्लेम को आप हाई रखें, लेकिन आप एक के ऊपर एक मत डालना, थोड़ी थोड़ी दूरी पर डालना ताकि ये घुले नहीं और एक दूसरे से चिपके नहीं। मैं अपने सारे पकोड़े ऐड कर दूंगी इसमें।
देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, जितना भी साइड साइड में आपको दिख रहा है ये जो ऑयल है ना ये ऊपर आ चुका है, ये साइड को हो गया है, और जो पकौड़े हैं ना वो पानी के अंदर बॉयल के साथ साथ पक रहे हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, बिल्कुल घुले नहीं हैं, जैसे मैंने डाले थे सेम बिल्कुल वैसे ही है। देखिए अब मैं इनको पकने दूँगी, ढक के रख दूँगी। मैक्सिमम मुझे इसको 15 से 20 मिनट इनको पकाने, फिर ये हमारे अच्छे से कुक हो जाएंगे, कच्चे बिल्कुल नहीं रहते। बहुत अमेजिंग रेसिपी है फ्रेंड्स, एक बार ये ट्राई ज़रूर करें। फ्रेंड्स मेरे बेसन के पकौड़ों की सब्ज़ी ऑलमोस्ट बन चुकी है, देखिए जो ऑयल है धीरे धीरे साइड में आ चुका है, ठीक है। और जो पकौड़े हैं मेरे, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए कच्चे नहीं है बिल्कुल, मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। देखिए मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए ईजिली टूट रहा है। सो मुझे ऐसी ही चाहिए थी। अब मैं इसको अपनी गैस की फ्लेम को बंद कर दूँगी, अब मैं आपको इसको गार्निशिंग करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मेरे बेसन के पकौड़ों की सब्ज़ी, ये नई रेसिपी है। देखिए मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ पास से, देखिए एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिए अपने घर पे। सो फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए और झट से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अधिक से अधिक उन मित्रों में शेयर कीजिए जो ऐसी रेसिपी बनाकर खाना रोज़ रोज़ पसंद करते हैं। सो अपने अपना महत्वपूर्ण टाइम दिया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।